तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया, एकदम ठीक हूँ। और आज का गुड मॉर्निंग 2:30 बजने वाला है, 2:30 बजे गुड मॉर्निंग हो रहा है, तो गुड आफ्टरनून सबको। और अभी हम लोग निकलने वाला है आज एक स्पेशल काम के लिए। हाँ, तो मैं तो स्पेशल एकदम रेडी हो चुका हूँ। तो मेरे साथ पूजा भी जा रही है, तो मैंने उसको भी बोला कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अभी उसका कितना टाइम लगता है, कब तैयार होते देखते हैं। उसके बाद जब भी वो रेडी हो जाएगी हम दोनों निकल जाएंगे। और कहाँ निकलेंगे? पहले घर से निकलते हैं, उसके बाद आप लोगों को बोलते हैं। चलो बाय बाय। भाभी पीछे भाग गई अभी। बाय बाय। कल क्या हुआ था भाभी? क्या हुआ था कल? तो कल शिवरात्रि था और भाभी ने पी लिया था भांग। मतलब यहाँ पे क्या होता है, शिव बाबा के शरण में अर्पण किया जाता है, ये एक प्रसादी होता है, तो उसमें दूध से बनता है घूटा, आप लोगों को पता ही होगा। वहाँ पे थोड़ा सा भांग रहता है, तो फिर वो घूटा पी लिया था भाभी ने। भांग बोलते हैं उसको बेसिकली तो। और भाभी का रात को जो हालत, जो ज़्यादा नहीं पिया था, बस इतना सा पिया था। मतलब मैंने ही बोला कि शिवरात्रि है, बाबा का प्रसाद है, थोड़ा सा पी लो, कुछ नहीं होगा। हम लोग को कुछ नहीं हुआ, भाभी का फर्स्ट टाइम था कल। हम तो बचपन से थोड़ा थोड़ा पीते पी के मतलब बड़ा हो गया है। भाभी ने फर्स्ट टाइम कल पिया, तो भाभी को इतने से ही जो चर गया। रात को जो हंसा हम लोग, मतलब भाभी ने जो हंसाया, अलग सीन था। तो आप लोगों के साथ भी अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो फिर आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। हम लोग भी थोड़ा सा पढ़ेंगे और लोग भी थोड़ा पढ़ के एंजॉय करेंगे। बाकी अभी निकलते हैं, ऐसा पूजा भी वेट कर रही है, वो भी निकल के रेडी है, उसको भी लेते हैं और चलते हैं अभी विकास भैया के घर। वहाँ पे जाने का मेन रीज़न ये है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले विकास भैया का शादी हो चुका था। 2 तारीख को शादी हुआ था और आज है 10 तारीख। आज पूरा 8 दिन हो चुका है। और तो शादी के 8 दिन बाद एक रस्म रहता है, वो रस्म है आज 10 तारीख को। तो उसी रस्म के लिए हम लोग सब लोग जाएंगे, दोस्त लोग जाके दुल्हन के घर जाएंगे, भाभी के घर। क्या क्या होगा क्या नहीं होगा आपको बताएंगे, पहले घर से निकलते हैं। चलो बाय बाय। फ्रिज में घुटा थोड़ा रखा हुआ है, मत पीना लेकिन, ठीक है? लड्डू भी रखा हुआ है, मत पीना, मतलब मत खाना लड्डू। बाय बाय। दादी को एक्चुअली थोड़ा कम सुनाई देता है, तो दादी को पता नहीं क्या हम क्या बात कर रहे हैं। दादी को मैंने बोला बस बाय बाय, और दादी ने बस बाय बाय बोला। माँ बाय। तो दादी का चेहरा देख के आप लोग को डाउट हो सकता है कि दादी ने भी शायद भांग पी लिया, लेकिन नहीं, दादी पहले से इतना हंसमुख है, मतलब थोड़ा हंसते रहते हैं, हम लोग को भी अच्छा लगता है इसलिए, और इसलिए हम भी थोड़ा सा इसलिए हंसमुख पैदा हुआ है शायद। तो अभी चलते हैं, बाइक लेते हैं अपना और निकलते हैं उसके बाद। तो सब दोस्त लोग का फोन आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया उनको। तो मैं आके पूजा को भी पिकअप कर लिया। कैसे हो? अभी चलते विकास भाई घर। आज है 8 मंगला और हम दोनों को इन्वेस्ट किया था कि अभी जाएंगे विकास भाई घर, उसके बाद विकास भाई घर से जाएंगे हम लोग पिंकी भाभी के घर। तो पहले वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद आप लोग। चलो चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं, अभी भी आज भी इतना हंसी क्यों है? कल का लड्डू का असर खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ, अभी तो शुरू हुआ है। एक्चुअली आते वक्त मैं लेके आया था घर से, और आते ही मैंने एंजल को खिला दिया। अब मजा आएगा ना, अब माहौल थोड़ा सा सेट रहेगा, मतलब दूल्हा दुल्हन चले गए वहाँ पे गाड़ी में, हम लोग को छोड़ के। हमने एक्चुअली बाइक लेके आए थे हम लोग, तो हमने यहाँ पे बाइक पार्किंग कर दिया। अभी हम लोग भी गाड़ी में एक साथ बैठ के जाएंगे पिंकी भाभी के घर, और वहाँ पे खाना वाना खाएंगे, मजे करेंगे और आ जाएंगे, और क्या। चलो 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 बैठो बैठो बैठो। भात खाओते तो सब बेहद भात थाली पड़ी थके। हम लोग यहाँ पे आगे पहुँच चुके हैं पिंकी भाभी के घर, और आते ही मतलब कुछ रसम वगैरह है और टीका लगा दिया यहाँ पे। तो ये खर्चा करना नहीं है। अच्छा, ये खर्चा करने के लिए एक्स्ट्रा करके देंगे, ये मतलब रखना है संभाल के, इसलिए कम नोट दिया गया है। नया करार नोट अभी 500 देता तो तुम खर्चा कर देता ना, इसलिए 20 दिया है। इसलिए दिया है, तुम इसको घर में अच्छा से रखो मस्त। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा रस्म है कि जो भी आते हैं दूल्हे के साथ, तो सबको टीका लगाया जाता है, सबके हाथ में आपको करारा नोट दिखेगा, और दूल्हा दुल्हन को पहले लगाया है, और इनके हाथ में भी है। कहाँ है नोट? कहाँ है नोट? नोट FD। सही है। कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जाओ इतना जल्दी जल्दी? प्लीज हमको जाने दो भाई, कुछ है नहीं भाई, प्लीज ऐसा मत करो भाई। अभी का अगर टाइम दिखाओ मैं आपको, 16:33 मतलब 4:15 हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं खाया।
नहीं भाई मान नहीं सकता, ये बिना खाए रह सकता है क्या? देखो चलो अभी टाइम है लंच का, तो अभी लंच करेंगे और घर से निकलेंगे उसके बाद। स्टार्ट करो, क्या हो गया? तुम हाथ मत लगाओ यहाँ पे। मैं क्यों हाथ लगाऊंगा भाई, तुमको मैं स्कूल से जानता हूँ, तुम सबका हाथ मत लगाओ। Enjoy. जानता ही भाई वो होगा मेरे पास। सब लोग बैठ के खाना खाने के लिए जिस्ती है। मस्त है। ट्यूशन बहुत अच्छा लगा। खाना पीना हो चुका है कंप्लीट और क्या मस्त टेस्टी खाना बना था। हमने पूरा पेट भर के खाया, ज़्यादा ही खा लिया मैंने, तब से बैठा हुआ था। और जैसे ही बैठा हुआ था तब तुरंत आ गया सरप्राइज, भाभी लेके आए गिफ्ट और सबको दे रहे गिफ्ट, शायद अभी मेरे को भी मिलेगा तो गिफ्ट लेते हैं। बाय 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 सबको बाय बाय निश्चय बाय बाय निश्चय निश्चय बाय बाय फारदीन। अच्छा फारदीन को कहाँ बाय बाय बोल रहा हूँ मैं, फारदीन और हम तो एक साथ ही आए थे, एक साथ ही जाएंगे अभी, और सबको बाय बाय बोल के अभी जाने का, वापस घर जाने का टाइम हो गया है। और टाइम कितना हुआ फारदीन? टाइम अभी 6:46 बस 7 बजने वाला है, और थोड़ा रास्ता ऊबर खबर है तो आराम से चलना पड़ेगा, ब्लॉग अभी बंद करते हैं। 10 बजने वाला है अभी। फिर रास्ता ठीक है आगे भाई? नहीं नहीं 10 नहीं बजा भाई, 1846। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी कहाँ जा रहे हो? बर्थडे पार्टी। भैया भी जा रहे हो क्या? भैया और भाभी दोनों रेडी होके एकदम तैयार थे। हाँ तबीयत ठीक है भाभी का, और हम भी घर पहुँचे, अभी बस घर पहुँचे ही थे और भैया और भाभी दोनों रेडी थे, यहाँ पे जूता पहन रहे थे बाहर ही, तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बर्थडे पार्टी में जा रहे हो। अभी अभी मैं बैठ के ये क्या है? ये प्रसाद, ये शिवरात्रि का प्रसाद अभी तक खत्म नहीं हुआ घर पे, क्यों बनाया लेकिन ये बताओ? हाँ कोई खा क्यों नहीं रहा, कोई पियो क्यों नहीं, कोई ना कोई लड्डू खा रहा है ना कोई भांग पी रहा है, क्या हाल है? क्यों ट्रेलर तो देख लिया भाई साहब, कल जो भाभी का हालत हुआ था मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया, 10% भी नहीं दिखाया, मेरे को 5% दिखाया मेरे वीडियो में एकदम लास्ट पे। आपने अगर नहीं देखा तो फिर इसके अगले वीडियो में जाना और एकदम लास्ट पार्ट देखना, उसमें मैंने थोड़ा सा दिखाया था 5%। बाकी जो 95% हम लोगों ने कल रात को बिताया रात को, तो मैं कभी भी ये पार्ट नहीं भूल सकता। 95% जो मेरे को नहीं दिखाया मैंने, वीडियो है मेरे पास, भैया ने वीडियो करके रखा था, दिखाऊं क्या आपको? मजा आएगा आपको भी, हमको भी बहुत मजा आया। मैं थोड़ा सा दिखा लूंगा अगर भैया परमिशन दे तो, भैया अगर परमिशन दे। अच्छा पापा भी पहुंच चुके हैं, पापा को भी अभी भांग खाएंगे और सबका अच्छा ये पार्सल हो रहा है कहीं पे, मम्मी ने घर पे रखा ही नहीं, सुबह उठ के मम्मी का सहेली मतलब आसपास के लोग आए थे, सबको दे दिया, बांट दिया, और जो थोड़ा सा था अभी वो पैक कर दिया, भैया को बोला है कि इसको ले जाओ, भैया मतलब जहाँ पे जा रहे बर्थडे पार्टी में, बोला कि वहाँ ले जाओ, वहाँ पिलाओ सबको, घर पे मत रखना ये तो अभी का अगर टाइम बताऊँ मैं आपको तो 21:31 मतलब 9:31 9:30 हो चुका है। तो हम लोग तो घर पहुंच गए थे, और घर पहुंचने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके, ड्रेस चेंज करके फिर से निकल के आ गया मैं। और निकल के आने का मेन रीज़न ये है कि अभी आया हूँ मैं सोनापुर, गुवाहाटी से बाहर आ चुका हूँ, और सोनापुर दिसांग रिजॉर्ट, और यहाँ पे आने का अभी रीज़न बताते हैं आपको। रीज़न है उस तरफ, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, आपको दिखाते हैं अच्छे से। आपने देखा होगा जिस दिन आप आ रहा विकास भैया का रिसेप्शन था, उस दिन बाइक लगाया था यहाँ पे BMW विकास भैया का 390 एडवेंचर, उसके बाद FZ तो विजय के लेके चला गया था दिन में ही, लेकिन बाकी BMW 1250 और आपका 390 एडवेंचर दोनों यहाँ पे रखा हुआ था, तो वो दोनों बाइक लेने के लिए अभी दिसांग रिजॉर्ट पहुँच चुके हैं। तो कल एक्चुअली छोटा मोटा थोड़ा सा प्लान बन रहा है थोड़ा राइड पे जाने के लिए, तो इसलिए आज रात को ही बाइक लाना जरूरी था, इसलिए रात को पहुंच गए हम लोग। आयुब ने बोला कि मैं भी चलता हूँ, तो आयुब और मैं दोनों चले आए। तो बाइक चलाने के लिए इतना एक्साइटमेंट रहता है कि थकान महसूस होता ही नहीं है, तो हम दोनों कैब लेके आ गए थे आने के टाइम, अभी दोनों बाइक चलाएंगे मस्त आराम से, ठीक है आराम से चलाने का। पैर में दिखाओ क्या हो गया? क्रैक हो गया थोड़ा। अरे क्रैक कहाँ का? अच्छा रिसेप्शन में क्रैक हो गया। अरे चलो आराम से चलाओ, धीरे धीरे चलाओ। इस तरह पे 390 एडवेंचर, और उस तरह पे हमारा
BMW भरा 50। पीछे के चल रहे हो क्या? बाइक बाइक लेके चल रहे हो भाई? हम तो पहुंच गए यहाँ पे, आयुब है और मैं यहाँ पे, हम दोनों बाइक लेके आ गए निशान से। गुवाहाटी से बाहर है थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा 10 किलोमीटर होगा, तो हम 10 किलोमीटर आ गए यहाँ पे। मोटर ब्लॉगिंग नहीं कर रहा, एक छोटा वाला हेलमेट लेके आया था मैं, इसलिए मोटर ब्लॉगिंग नहीं हो रहा है। बाकी जो भी हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतना तबाही बाइक है ये, खतरनाक मज़ा आया मेरे को चला के। कैसा लगता है चला के, कैसा लगता है? मैंने दो बार ही चलाया आज तक, लेकिन जो फील है वो मतलब स्पीचलेस है। आयुब क्या बोलते हो, एक्सचेंज करे? तो आयुब थोड़ा सा डर रहा है इस बाइक को चलाने के लिए। इसका रीजन ये है कि ये बाइक बहुत ही ज्यादा ऊंचा है और आयुब मतलब अच्छे से टच नहीं कर पाता जमीन, इसलिए आयुब डर रहा है। लेकिन आयुब चलाएगा, मेरे को पता है। आयुब का ऐसा कॉन्फिडेंस है ना बाइक में, इतना राइड किया आयुब ने, मतलब खतरनाक वाला, खतरनाक। चलो जो भी हो, यहाँ पे थोड़ा सा बातें करते हैं अभी और उसके बाद निकलते हैं घर के लिए अपना। और शायद बाइक में ये लेके जाऊंगा क्योंकि कल से खतरनाक वाला राइड शुरू होने वाला है। कहाँ को निकलने वाला है वो कल ही बताएंगे, आज तो बस घर पहुँचे जल्दी जल्दी। तो हम लोग आए थे अभी दुकान पे, तो यहाँ पे आके चावल वगैरह ले लिया, मतलब घर का शॉपिंग। और यहाँ देखो BMW का बाइक 1250 और घर का शॉपिंग, यहाँ पे गार्लिक जिंजर सब कुछ ले लिया है और चावल। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जैसे मैं सामान लाया, म्याऊं भक के आया कि मेरे लिए क्या है दिखाओ। लेकिन म्याऊं के लिए कुछ लाना तो मैं भूल ही गया। चलो मैं अंदर, अंडा है, ऑमलेट खिलाएंगे म्याऊं को। और हमारे इधर आप लोगों को पता ही है, घर तक गाड़ी वगैरह कुछ नहीं आता, बाइक वगैरह कुछ नहीं आता, तो एकदम ऊपर से सामान हाथ में लाना पड़ता है। मैं सवाल कंधे पे लाया था, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह हाथ में लाया था, हेलमेट पहन के आया था, सांस फूल गया, इतना दूर आता ही। चलो सामान अभी अंदर रखते हैं और हम भी अंदर चलते हैं। तो अभी का अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं, यहाँ पे देखिए 22:55, मतलब 11 बजने में और 5 मिनट बाकी है, मतलब रात के 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे हमने बाइक पार्किंग कर दिया, इसको अंदर करना है अभी। लेकिन उससे पहले एक दो बाइकों का काम चल रहा है, अभी वही काम निपटा रहा है। यहाँ पे एक है अपना यामाहा R15 जिसका सेंस पॉकेट चेंज हो रहा है, और भैया वो सेंस पॉकेट चेंज कर रहे हैं। और बाहर यहाँ पे एक बे पे लगा हुआ है MT, तो इसका भी काम खत्म करना है आज। इसका काम खत्म करके बे खाली करेंगे, उसके बाद आज भी ऐसे घुसाएंगे अंदर और उसके बाद चले जाएंगे। और यहाँ पे है अपना सिक्सर, कावासाकी ZX 6R, और इसका भी काम पेंडिंग चल रहा है। इसलिए जब से बाइक आया तब से ऐसे ही खराब हुआ है, क्योंकि इस पर लगने वाला है नया टायर का सेट, और टायर सेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था जो हमने ऑर्डर कर दिया है। अभी एक दो दिन में पहुँचने वाला है टायर, और उसके बाद इस पर टायर चेंज होगा। और बाकी काम तो इस पर सब कुछ ख़त्म है, उसमें कुछ दूसरा काम है नहीं, तो इसका भी काम जल्दी जल्दी निपटाना है। बाकी BMW का भी पार्ट्स ऑलमोस्ट पहुँच चुका है, उसका भी सामान लगाना है, मतलब काम बहुत सारा पेंडिंग चल रहा है गैराज पे। ऐसा ही होता है हमारे साथ, क्योंकि भैया भी सुबह सुबह ड्यूटी चला जाता है, शाम को आके वो काम करते हैं रात तक। बाकी मैं भी इतना मतलब अकेले हाथ नहीं लगाता तब, तो जब भैया गैराज पे रहते हैं तभी मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ भैया को, मैं भी अकेले इतना हाथ नहीं लगाता। तो जल्दी जल्दी जितना हो सके काम निकालते हैं और तुरंत पेंडिंग से खाली करते हैं। और फाइनली हम लोग गैराज से घर आके पहुंच चुके हैं। और अगर मैं आपको घर ही दिखाऊं तो फिर रात के 3:30 हो रहे हैं अभी, तो काम करते करते काफ़ी लेट हो गया। अभी जैसा कि घर पहुंचे हैं तो अभी खाना वाना खाएंगे, वीडियो भी एडिट करना है, सोना भी है, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर अभी एडिट करेंगे तो फिर सुबह अपलोड कर देंगे वीडियो, अगर अभी हम एडिट नहीं करेंगे तो फिर कल सुबह उठ के एडिट करेंगे, जो भी हो देख लेंगे। बाकी आप लोगों से मिलते हैं कल एक फ्रेश वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा बिल्कुल से बोलिएगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हो सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाइए, एक लाइक एक कॉमेंट तो बनता है। बाकी कल के लिए जो सरप्राइज है वो कल मिलता है, आप लोग कल बताते हैं। टिल देन बाय बाय, टाटा।